आज साडे नेशनल कन्वीनर जिन्होंने आईआरएस ऑफिसर होंदे हुए झुग्गी झोपड़ियों तो अपनी जिंदगी शुरू की, जिन्होंने गरीबों के हक धावा नारा मारिया, जिन्होंने शुगर का मरीज होंदे हुए 15-15 दिन भुख हड़ताल की, मुख्यमंत्री बनने वास्ते भी की थी, थोड़े हकों वास्ते की थी, जो तुम बना था वो बात की गल है। सो वीरो अरविंद केजरीवाल जी फिर जोरदार ताड़ी मार के स्वागत करते हैं। आखिरी मौके पर नाम बोले जे 2017 वाली क्रांति किसे गलों फेल कर बैठे, 1857 का गदर फेल हो गया सी, 90 साल आजादी लेट हो गई सी, 90 साल लग गए सी दोबारे इकट्ठे हो गया नू, जे 2017 वाली क्रांति फेल कर बैठे पता ही नहीं किन्ने 100 साल लग जाएगा। फिर केजरीवाल का दिल टूटेगा, छोड़ दो यार लोग सच्चे का साथ नहीं देते, पापा की अपना काम करते, इस करके मैं पता तुम जज्बाती हो, इस बिल सलाम भी है अरविंद केजरीवाल जी, जो भी मैं इन्होंने मिलता चाहे दिल्ली मिला चाहे गोवा मिला गुजरात मिला, एक गल कहते पंजाब कब जाना है सर्कल जाना सब पास जाए पंजाबियों को मेरा सलाम भेजना, जो सारे मुल्क के बीच लोकसभा इलेक्शन मिले आम आदमी पार्टी का बूटा सुक रहा सी, विरोधी पार्टियां जड़ां धकेल पा रही सी, उदों पंजाबी सी जिन्होंने चार हरे रंग के पत्ते दिखाए सी, इस गल सलाम थले चलती है साडा बजट, दिल्ली का बजट मोहल्ले पुछ पुछ के बनता है, साडे मैनीफेस्टो लोगों को कुछ कुछ के बन रहे, सुबीर बाल का बगीचे के ड्राइंग रूम में भी बन रहे बिजली तुम्हारे का कर रहे हैं। सो इस करके थोड़े को आया बहुत कोचियां चलना चलेंगे विरोधी, बहुत झूठ कूट प्रचार होगा अपने विरुद्ध, थोड़ा जा सब्र रखियो, ये थोड़ू भड़को हो गए लड़िया ना करो अकाली दल तो लड़न खत्म बिच बजे फिर कहते सा लड़न सोचे पर्चा करिए, जे थोड़ा कहें भाई तुम नहीं जीते जी हाँ जी अस नहीं जीते थोड़ी सौ आ रही है बस कह बजा ना करो गल ये तो बिच बजे फिर लड़न फिर सा झूठे पर्चे पै रहे साढ़े वर्कर की झूठ प्रचार कर रहे हैं अपने बारे, अरविंद केजरीवाल पता नहीं की बोल रहे हैं, कालिया झंडिया लैके कांग्रेस ने कर ली दोनों इकट्ठे ही खड़े थे, मैं क्या आपस की विरोधी पार्टी जानते हो आपस विरोध करना भुज गए, कला केजरीवाल भगवंत मान आप, संजय सिंह दगेश पाठक केजरीवाल भगवंत मान आप, आई शक्ति यही पीटीसी आप पीटीसी चैनल तरक्की पीटीसी चैनल पे सवेरे ते शाम दरबार साहब को गुरबाणी का सदा प्रसार होता जी वो बाबे नानक की बाणी है सच है वो जरूर सरवर कर लिया करो, पर जरूर गुरबाणी का प्रसार ना बंद हो जाए ना चैनल टीवी बंद कर दे तो उसके बाद तुम सुन लो सड़क थोड़िया बसा वास्ते बन गई ने जो बंदे मारने फिर बसा सबीरो सड़क बेचती प्राइवेट कंपनी टोल टैक्स ला
21 साल ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਖਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਆਓ ਬਦਲੀਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਦਲਣ ਆਈ ਹੈ मेरे भाषण की कोई भी गल पर याद ना रखियो पर आ गल जरूर याद रखियो जिस जिस दिन वोट पा जाओगे पतन दबण तो पहला याद रखियो ध्यान सिंह वाले भगवंत मान ने गल की सी उस बाद जिला मर्जी बच कर लो मैंने कहना साढ़े ही रखो एक बटन देखियो बटन के सामने चो निशान होता है ये याद कर लियो वो चो जो बटन है ना तकड़ी का ना पंजे का ना कट्टे दा ना पौड़ी दा ना हाथ पंजे दा ना किसे हाथी दा बिना चाहिए दा ओ बटन फाटे जवाकां दी किस्मत दा बटन जे किसे नाल फिर जाके कोई दारू दी बोतल लेके अद्धा किलो कुकी लेके गलत बटन दा के आओगे समझ लो अपने जवाकां दी किस्मत पर उस वोटर कार्ड शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर याद करतार सिंह साहब वर्ग हजारा योद्धा के खून की सुगंधी है तुम कहो ये कि मेरे वोटर कार्ड च सानू अपने लीडर आप चुनने का हक है तुसी साडा मुल्क छड़ के जाओ असीं अपने लीडर आप चुनिया करांगे आही रौला सी जैसे रौले के अंतर्गत फांसियां दे थल्ले चुमने पै गए जो 17-17 साल दी उम्र च 22 साल दी उम्र च उदू बाद अंग्रेज चले गए सानू वोटर कार्ड दे गए ते इह वोटर कार्ड जे तुसी दो शराब दी बोतला जां 500 रुपया जां फिर कुकी जां मामे दे कहण ते जां फुफड़ आ गया सी उहने का कहता जो जां पा लिया जे उहदे कहण ते ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਫੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਓ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ एक या दो नंबर का सवाल यदि बात साहब 15 अगस्त 1947 आम लोगों के लिए एक या दो नंबर का एक सवाल है बच्चे को पूछा जाता है भारत कब आजाद हुआ बच्चा लिखता है 15 अगस्त 1947 वेरी गुड दो नंबर आ गया दो नंबर आगे पर आजादी है आजादी का लाल बत्ती आलिया काला चिड़ेगी हर 15 अगस्त को मौके का प्रधानमंत्री लाल किले को भाषण दिता है वो ही रखा रखा है भाषण दिन का 20-25 साल हो गए सुनने को लिखा लिखा है भाषण महंगाई के चिंता प्रगट गरीबी के चिंता प्रगट
పేరు కలిగి మంచి చింతా పడ్డాడు, ఆత్మహత్య సంతో చింతా పడ్డాడు. और मेरे देश के पासों उनका लाल के लिए कबूतर नहीं भाषण याद हो गए होने जे साड़ी किस्मत नहीं बदल सकते कट कट भाषण का बदल लो वो भी चल रहे हैं क्यों बदलना गए भाई है कि अब उन्हें भी कहीं मंसल बन पा रही है अब कारण से की गल कांग्रेस की हालत उस 80-85 साल से बुढ़े वर्ग की होगी जिन डॉक्टर जवाब ने मेरे भाई घर में जाकर सेवा कर लगे तो कुछ नहीं मंजे के पाई जाएंगे ना कर सुन कभी डॉक्टर मेरे घर से पक्षी चल जाता है कहने पत्थर मार मुझ पाई में जम चम्पा जाती है जो मेरे गाल ना मैंने मरूंगा है इन्हें भी लुटा था आपस में बीच मेरे होए ने सो वीरो मैं थोड़े नाल कदे फेर वादु बोलू मैं थोड़े नाल आके कदे 2 घंटे फेर ला दूंगा पर क्योंकि अज साडे नेशनल डमीनर आए हुए ने आपा इन्हां दे गल्लां सुणीए दिल्ली च इन्हां ने की कीता है पंजाब बारे इन्हां ने की सोचा है ये गल्लां मन सुणनियां बन गई मैं हथ नाल की बेनती करदा सुन लिओ उस तो बाद जो भी ग्रीवेंसेस से जो शिकवे ने उस कहता है पिछले के कारण है कोई ना कोई टेबल पे लगे बड़े बड़े मसले हल हो जाए हाँ मैंने पता है जब हम बैठे लगूंगा तो उसी की कहोगे इतनी 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 भी गप सुखबीर भी चिट्टा मेरे भाई का बाटर तो मंगाएगा खुला बताएगा दसो कितना चाहेगा नहीं घबराएगा मंगे कोई नौकरी डांगा ना कटाएगा चिट्टा गली गली है सरकार नाल गली है चिट्टा साडा लहू वे मैं बादलां दी बहू वे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की आप यहां पे आए हुए सभी बहनों भाइयों माताओं बुजुर्गों आप लोग इतनी देर से आए हुए हैं इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबको मेरा नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों लेकिन जब देखा कि इस देश के अंदर इन सारी पार्टियों ने मिलकर लूट लिया देश को बीजेपी कांग्रेस अकाली दल इन सारी पार्टियों ने आपस में सेटिंग कर रखी है 5 साल तुम सरकार चलाओ 5 साल हम सरकार चलाएंगे 5 साल तुम देश को लूटना फिर 5 साल हम देश को लूटेंगे जब हमारी बारी आएगी हम तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कोई केस मत करना और जनता पिसती रहती है जनता बेवकूफ बनती रहती है अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया उन्होंने अनशन रखा मैंने 2 बार अनशन रखा एक बार 10 दिन का अनशन रखा एक बार 15 दिन का अनशन रखा मैंने 15 दिन भूखे रहा था मैं शुगर का मरीज हूं डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा अगर ये भूखा रहा तो जिंदा नहीं बचेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे हम लोग 15 दिन में भूखे रहा ऊपर वाले की कृपा ऊपर वाले के रब की कृपा है कि आज मैं जिंदा खड़ा हूं आपको
लेकिन देखा कि जब ये लोग नहीं मानने वाले तो आम आदमी पार्टी बनाई। जब आम आदमी पार्टी बनाई थी, ये मीडिया वाले, विपक्षी दल वाले सारे बोले इनकी सबकी जमानत जब्त होगी। हमारे पास ना पैसा था ना आदमी था, कभी चुनाव लड़े नहीं थे हम लोग। ये जितने लोग बैठे हैं आज स्टेज पे, कोई नेता नहीं है जी, हम सारे आम लोग हैं। आम आदमी पार्टी बनी, एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की 70 में से 67 सीट, 67 सीट आ गई है, 70 में से 67 सीट। मैं हमेशा कहता हूं ये इंसानी काम नहीं हो सकता। 70 में से 67 सीट पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं आई, पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट आई। ये कुछ ना कुछ ऊपर वाले का करिश्मा है, रब का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है। पिछले एक डेढ़ साल के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितनी जनता ने विश्वास किया था, पूरी ईमानदारी के साथ सरकार चला रहे हैं। इतने काम किए दिल्ली में, इतने काम किए दिल्ली के अंदर। आपके भी दोस्त रहते होंगे दिल्ली में, उनसे पता चलता रहता होगा आप लोगों को। सबसे बड़ा काम दिल्ली में किया, भ्रष्टाचार कम करके दिखा दिया, भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा दिया। आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक फ्लाईओवर बना, 325 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था, 325 करोड़ का, 200 करोड़ रुपए के अंदर पूरा करके दिखा दिया। कभी सुना है पंजाब के अंदर 300 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा हो? तो बनते 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 15 साल लग जाते हैं और 300 करोड़ का फ्लाईओवर बादलों की सरकार में 3000 करोड़ का पूरा होकर सारा पैसा खा जाते हैं। पहली बार हुआ 325 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 200 करोड़ रुपए के अंदर पूरा करके दिखा। इस तरह से 5 फ्लाईओवर बनाए पिछले एक साल में, 350 करोड़ रुपए बचा लिए हम लोगों ने, 350 करोड़। पिछले डेढ़ साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, एक चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी। कई लोग मेरे से पूछते हैं ये पंजाब में सरकार बनेगी पैसा कहां से आएगा? दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करके हर सरकारी काम में इतना पैसा बचा रहे हैं, इतना पैसा बचा रहे हैं हम लोग। एक चीज सीखा हूं मैं, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अभी तक बुरी नीयत वाली सरकार आती थी, अब दिल्ली के अंदर अच्छी नीयत वाली सरकार आई है, सारे काम हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक मतलब झुग्गी बस्तियों के अंदर एक एयर कंडीशन क्लिनिक बनाया, एयर कंडीशन बनने का, उसमें सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त है। हजार हजार 1500-1500 रुपए के टेस्ट होते हैं, वो सारे मुफ्त है। 106 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए एक साल में और 31 मार्च तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बन के तैयार हो जाएंगे। 1000 पंजाब के अंदर सरकार बनेगी, ये काम करेंगे, हर पिंड के अंदर, हर पिंड में एक एक पिंड क्लिनिक बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाया। एयर कंडीशन क्लिनिक बनेगा हर पिंड में, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री। आपके गांव के अंदर आपको सबसे अच्छी मेडिकल सुविधा दी जाएगी। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। बड़े बड़े ऑपरेशन भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पूरे मुफ्त होते हैं। बड़ा दुख होता है यहां पे कि कैंसर के मरीज पंजाब के अंदर उनको अपना इलाज कराने के लिए बीकानेर जाना पड़ता है। पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि जितने भी कैंसर के अस्पताल खोलने पड़ेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों को कैंसर का इलाज कराने के लिए बीकानेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के अंदर इलाज होगा और मुफ्त में इलाज होगा और सबसे अच्छा इलाज होगा। सरकारी स्कूल, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली में सरकारी स्कूलों की बहुत ही बुरी हालत थी, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता था। आज डेढ़ साल के बाद अगली बार जब दिल्ली जाओ तो किसी सरकारी स्कूल में जाना, सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छी हालत कर दी है कि अब जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं दिल्ली में उनमें स्विमिंग पूल बन रही है, लिफ्टें लग रही है। अभी सुना था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनते हैं, लिफ्टें लगती हैं, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं आज, और सारी शिक्षा मुफ्त है, स्कूल मुफ्त है। जितने प्राइवेट स्कूल थे दोस्तों, प्राइवेट स्कूल यहाँ पे पंजाब में भी उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, मैंने सुना है। हर साल प्राइवेट स्कूल वाले अपनी फीस बढ़ा देते हैं, मनमानी फीस बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, हर साल फीस बढ़ा देते हैं। माँ बाप बेचारे क्या करें, अपने बच्चों को तो पढ़ाना है। दिल्ली के अंदर हमने इस पे रोक लगा दी, ऑर्डर पास कर दिए, पिछले दो साल से दिल्ली के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल ने एक पैसे की फीस नहीं बढ़ाई है। दो चार स्कूल ने फीस बढ़ाई, हमने ऑर्डर पास करके उनकी फीस कम करवाई और उनके बच्चों के माँ बाप को सारी फीस हम लोगों ने रिफंड करवाई है। आज तक कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि बच्चों की फीस वापस मिलती हो। दिल्ली के अंदर कई स्कूलों में हमने फीस वापस करवाई है दोस्तों। पिछले साल दिल्ली में बेमौसम बारिश आ गई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसान आए मेरे पास, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके साथ गया, कई गांवों का दौरा किया और देखा कि उनकी फसलें सारी बर्बाद हो गई थी। हमने उनको ₹20,000 प्रति किले के हिसाब से मुआवजा दिया था। आजाद भारत का सबसे ज्यादा मुआवजा हम लोगों ने दिया, ₹20,000 किले के हिसाब से, और 3 महीने में सबका मुआवजा दिलवा दिया हम लोगों ने। कभी इतना मुआवजा आज तक भारत के इतिहास में नहीं मिला। खूब काम किया हम लोगों ने, खूब काम किए। अब अपने को सबको मिलकर पंजाब बदलना है। पंजाब के अंदर कैप्टन ने और बादलों ने दोनों ने रल मिल के 15 साल के अंदर पंजाब बर्बाद कर दिया। पहले कैप्टन की सरकार थी, फिर बादलों की सरकार आई, पहले कैप्टन ने पंजाब को लूटा, फिर बादलों ने पंजाब को लूटा। ना कैप्टन ने बादलों का कुछ किया, ना बादलों ने कैप्टन का कुछ किया। 2002 में कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बने। मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कैप्टन के परिवार वालों के स्विस बैंक में अकाउंट है। स्विस बैंक में अकाउंट किसके होते हैं? जिसके पास काला धन होता है, जिसके पास 2 नंबर के पैसे होते हैं, उनके स्विस बैंकों में अकाउंट होते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं जरा हाथ खड़ा करके बताओ किस किस का स्विस बैंक में अकाउंट है। किसी का नहीं। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि भारत में अकाउंट खुलवा लें, स्विस बैंक में अकाउंट कहां से खुलेंगे? कैप्टन के परिवार के, कैप्टन की पत्नी के, कैप्टन के बेटे के स्विस बैंकों में अकाउंट है। तो कल मैं किसी को दिखा रहा था उनके अकाउंट, तो वो कहता है जी कैप्टन तो राजा महाराजा है, उनके पास तो बहुत पैसा है, उनको तो अकाउंट है, तो क्या गड़बड़ है? तो दूसरे आदमी ने बताया 2002 में जब कैप्टन मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले उनका दिवालिया निकल चुका था। कैप्टन के पास अपने घर की पुताई कराने के पैसे नहीं थे, कैप्टन की कुर्की होने वाली थी, सारा पैसा खत्म हो गया था कैप्टन का। 2002 में कैप्टन मुख्यमंत्री बने और 3 साल के अंदर 2005 में कैप्टन की बीवी ने और कैप्टन के बेटे ने स्विस बैंकों के अंदर अकाउंट खुलवा लिया। कहां से आया ये सारा पैसा कैप्टन के पास?
सारा पंजाब का पैसा था, ये सारा पंजाबियों का पैसा था, ये आपका पैसा था। आज मैं कैप्टन के अकाउंट नंबर लेके आया हूं एक्सिस बैंकों के, सुनोगे आप लोग सारे जने, नोट कर लेना अपने अपने मोबाइल फोन में। परनीत कौर, कौन है परनीत कौर? कैप्टन साहब की धर्मपत्नी है। परनीत कौर ने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया। उनका अकाउंट नंबर है 5090184485। दोबारा नोट कर लो, परनीत कौर का अकाउंट नंबर है 5090184485। रणिंदर सिंह कैप्टन साहब का बेटा, उन्होंने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंकों में अकाउंट खुलवाया। उनका अकाउंट नंबर है 5090184484। और इन दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है 5090284483। इनके पास पैसा कहां से आया? मैंने इनका अकाउंट भी देखा है, इस अकाउंट में हर महीने पैसा जमा हो रहा है, हर महीने पैसा जमा हो रहा है। इसका मतलब कैप्टन साहब पंजाब लूटते थे और अपने बीवी और अपने बेटे के अकाउंट में